डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल जैन विद्या मंदिर में आपका हार्दिक स्वागत है। लेट्स लर्न हिंदी के प्रीवियस वीडियोस में आपने चिड़िया के माध्यम से सभी अक्षरों को बनाना सीख लिया है और अब हम बढ़ेंगे उच्चारण की ओर। इस वीडियो में हम स्वरों के सही उच्चारण को सीखेंगे, तो शुरू करते हैं अ से और अह तक। सबसे पहला लेटर जो है स्वर का वो है अ। साथ में बोलिए अ अ अ। बिल्कुल भी आपका जो लिप्स है वो वाइड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी सिंपल अ अ अ। या एक तरीका और है अ अ अ। सेकेंड है आ। अब मुंह खुल जाएगा, मुंह पूरे तरीके से खुल जाएगा। देखिए आ आ आ आ अ आ। थर्ड है ई ई, इसमें भी लिप्स नहीं खुलेंगे, ई और ना ताकत लगेगी। ई ई ई, वेरी गुड। इसके बाद है ई ई ई, बोलते रहिए साथ में मेरे, ई ई ई ई। अच्छा, एक बात मैं इसमें क्लियर कर दूं आपको कि आखिर क्यों हमें इस भेद को समझना है, अ और आ, ई और ई के भेद को। दरअसल अगर हम इस भेद को नहीं समझते हैं तो हम हिंदी पढ़ना बहुत मुश्किल से सीखेंगे। हो सकता है कि आपको हिंदी पढ़ने में बहुत समय लग जाए, और अगर आप पढ़ना सीख भी लेते हैं तो उसके बाद बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होगी जो है लिखने की। अगर आप इनके बीच का भेद नहीं जानते हैं कि ये ई और ये ई है, ये अ और ये आ है, तो इसका मतलब आपके लिए दोनों एक जैसे हैं। आपकी श्रवण शक्ति इन दोनों के बीच में भेद नहीं कर पाएगी कि आपको ई बोला गया या ई बोला गया। इसलिए इस भेद को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ई ई ई, नहीं तो आप इसको भी आ आ ई ई करते रहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, और ये बहुत बुरा तरीका है पढ़ने का मेरे ख्याल से। आप फिर से बोलिए अ आ ई ई ई ई। अब जंप करेंगे उ उ उ उ उ उ। देखिए दीर्घ है, ये लघु है, उ कम शॉर्ट, ये दीर्घ है उ उ। एग्जांपल देंगे उ उ उ उ, क्या बना काम में अगर उ की मात्रा लगे तो कु ल कुल कुल, और ये अगर ऊ बोलेंगे तो कूल। भेद समझ में आया? सुनने में जब आप इन दोनों को सही तरीके से इनके बीच में भेद समझेंगे तब आप सुनते ही लिख देंगे कि आपसे कुल बोला गया है कूल बोला गया है। अगर डिफरेंस पता है ये ऊ और ऊ का, ठीक है ऊ ऊ ऊ। अब चलते हैं नेक्स्ट लेटर की ओर, वो है र र र र। साथ में बोलिए र र र, बोलते रहिए र। और सामान्य भाषा में से ऋषि भी बोलते हैं। अब आते हैं दीर्घ स्वरों की ओर। ये सारे के सारे स्वर लघु थे, इसमें से कुछ दीर्घ कुछ लघु, और इसके नीचे पूरे दीर्घ स्वर है सिर्फ इन दोनों के अलावा। ये जो चार बचते हैं हमारे पास में ये दीर्घ हैं। ए बोलिए ए ए ए आए 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 ए आए ए आए आए आए। फिर है ओ ओ आओ ओ आओ
ओ आओ, ये ओ है और ये आओ है, आओ आओ आओ। फिर है अंग 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 अंग, नाक से उच्चारण होगा इसका, अ पे अंग। फिर है अह अह अह, बोलिए अह। ठीक है, अब इनको राइम में पढ़ेंगे गीत के साथ। गीत सबसे अच्छा माध्यम होता है किसी भी चीज को याद करने के लिए। तो मेरे साथ बोलेंगे आ ई ई उ उ ऋण, आ ई ई उ उ ऋण, आ ई ई उ उ ऋण। बोली आ ई ई उ उ ऋण, ए ऐ ओ औ अं अः, ए ऐ ओ औ अं अः। कंप्लीट गाएंगे आ ई ई उ उ ऋण, ए ऐ ओ औ अं अः, आ ई ई उ उ ऋण, ए ऐ ओ औ अं अः, आ ई ई उ उ उ उ ऋण, ए ऐ ओ औ ओ औ अं अः। क्लियर? अब इसकी आपको घर पर बहुत प्रैक्टिस करनी है। इस गीत की तरह आप भी इसे गाते रहिए और ये आपको याद आ जाएगा। पहचान इनकी आप समझ रहे हैं, इन्हें आप देखते ही पहचान जाएंगे। और हाँ, ध्यान रहे जो मैंने आपको बताया लघु और दीर्घ, इसमें भेद देखकर। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे व्यंजनों का उच्चारण। ठीक है।